जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 28 जनवरी 2024 को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है और दून ऑफिसर्स एकेडमी ने सोचा है कि हम जनरल इंटेलिजेंस जो है वो पूरा का पूरा कवर करेंगे यूट्यूब चैनल में। तो जो बच्चे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो फ्री में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मैथमेटिक्स जीके तो हर कोई कवर करता है, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है जनरल इंटेलिजेंस का ये कहीं ना कहीं 50 मार्क्स कवर करता है। सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस इसमें आते हैं और एक हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स अगर बच्चों को कवर करने हैं तो उनको इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा, और इंटेलिजेंस सब्जेक्ट जो है ये बड़ा ही ईजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आप अपने इंटेलिजेंस से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला चैप्टर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एनालॉजी। तो बेसिकली एनालॉजी होती क्या है? एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी कुछ भी नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। क्या है बेटा? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस में हम समझते हैं रिलेशनशिप। क्या समझते हैं बेटा? रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप जो समझते हैं वो किसमें समझते हैं? बिटवीन टू आइटम्स, ठीक है, टू आइटम्स। तो ये आइटम्स क्या होते हैं? ये आइटम्स हो सकते हैं नंबर, ये आइटम्स हो सकते हैं वर्ड्स, ठीक है, ये आइटम्स हो सकते हैं अल्फाबेट, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और अल्फाबेट एनालॉजी। और बेसिकली एनालॉजी है क्या? एनालॉजी कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि इन नंबर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में, अल्फाबेट के बीच में रिलेशन क्या है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास सैनिक स्कूल एग्जाम में आएंगे, और इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को हम समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे वर्ड एनालॉजी का। देखिए वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए जैसे कि मैं बोलूंगा राहुल, राहुल बॉय, ठीक है, इसके बीच में क्या रिलेशन है कि राहुल एक बॉय है, कहीं ना कहीं एक जेंडर को ये दिखा रहा है। और जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, सीता क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आप लोग ही बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा गर्ल, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं, इंडिया, रुपी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं यूएसए तो इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, आप देखेंगे कि इंडिया का रिलेशनशिप रुपी में से क्या है, ठीक है, इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है? रुपी। तो यूएसए की करेंसी क्या होनी चाहिए? डॉलर, सही सोच रहे थे आप लोग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डॉलर, ठीक है। इसी तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस करे, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चंस हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स को समझें और क्वेश्चंस अपने आप करें। तो मेरा जो उद्देश्य है ये सीरीज को खत्म करने का वो ये है कि मैं जल्द से जल्द टॉपिक्स कवर करूं, आपको टॉपिक समझ में आए और फिर आप क्वेश्चन करना शुरू करें अपने आप से, ठीक है। तो ये तो हमने करा वर्ड एनालॉजी, ठीक है, अब ऐसे ही हम समझेंगे नंबर एनालॉजी को और देखेंगे कि नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि नंबर एनालॉजी क्या होती है। देखिए किसी भी नंबर्स के बीच में अगर कुछ रिलेशनशिप हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नंबर एनालॉजी। मतलब हमें नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, 3, 4,
3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, तो इन दो नंबर से हम इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहेंगे इसके लिए। तो यहां पर क्या आंसर होगा, 12, 13, 14, ठीक है। हमने देखा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर्स पे नंबर्स जा रहे हैं, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, ऐसे ही 9, 10, 11 आया, तो उसके बाद क्या आएगा, 12, 13, 14। चलो दूसरे क्वेश्चन से हम और बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2, 4, 6, ठीक है, 3, 6, 9, ठीक है, 4, 8, 12, ठीक है। तो ये नंबर, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? एग्जाम में हो सकता है कि आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए जाएं। तो अगर हम देखेंगे, आप देखोगे कि 2, 4, 6 की टेबल चल रही है, 2, 4, 6, यहां पर 3 की टेबल चली है, 3 के मल्टीपल पे नंबर है 3, 6, 9, और यहां पर आया 4, 8, 12, 4, 1, 4, 4, 2, 8, 4, 3, 12, तो यहां पर क्या आना चाहिए? आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो कहीं ना कहीं मल्टीपल में जो आएंगे वही करेक्ट होंगे। इसमें हो सकता है कि 5, 10 और 15 इसका आंसर हो। तो आपको क्या करना है कि नंबर्स के बीच में भी रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि ऑड है, इवन है, प्राइम नंबर है, या फिर किसके मल्टीपल पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने हैं। हमें उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि हम ये क्वेश्चंस बड़े इजी तरीके से हम लोग कर पाएँ, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये 6th के लेवल का है, तो आप लोग सोचेंगे कि बहुत ही इजी है। मेरा काम ही आप लोगों को क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को इजी करना है, तो इसलिए ये एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे बुक में तो आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी, और मैं चाहता हूँ कि डिफ़िकल्टीज आए जिससे कि आप कॉमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन अपना पोस्ट करें तो हम उसका सोल्यूशन आपको दे सकें। अब हम समझते हैं अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी, देखिए अल्फाबेट की जब हम बात करते हैं तो अल्फाबेट्स बेसिकली होते क्या हैं? अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे ऐसे कहां तक होते हैं, जेड तक, यही तो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स करें तो रिवर्स में क्या 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 अल्फाबेट्स हो सकते हैं, जेड वाई एक्स, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे, ए तक। अगर हम इनकी पोजीशंस फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, 1, 2, 3, कहां तक जाएगा, ये कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वॉवल्स की बात करें तो वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। हम इस पर पोजीशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ए, ए की पोजीशन क्या है, 1, ई की पोजीशन क्या आएगी, 5, आई की पोजीशन क्या आएगी, अगर हम उसको पूरा कंप्लीट करें, ठीक है, तो कुछ इनके नंबर्स यहां पर आएंगे जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से अपने ग्राफ बना लेंगे और इसी तरीके से हम इस चीज को समझने की भी कोशिश करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा जिससे कि आप टॉपिक को समझकर खुद से इस क्वेश्चन को कर सकें। लेट सपोज ए बी इज इक्वल टू 1, 2, तो सी D इज इक्वल टू 3, 4, क्योंकि बात यहां पर क्या हो रही है, हम इससे क्या समझे कि यहां पर पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि B A इज इक्वल टू D C F इज इक्वल टू, आप बताएं बेटा क्या हो सकता है, जब यहां पर सीक्वेंस में चल रहा है बी ए इज इक्वल टू डी सी और एफ ई इज इक्वल टू, आप देखेंगे जी के बाद क्या आता है, एच, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एच जी, क्योंकि हमने जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करी वो कहां से करी, इस पहले वाले से,
ठीक है, तो यहां से इसका आंसर निकलेगा। जब हम इन क्वेश्चंस को लगातार करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें अपने आप से इनके आंसर्स भी मिलने लगेंगे, क्योंकि हमने अल्फाबेट्स की प्रॉपर्टीज देखी, हमने वर्ड्स की प्रॉपर्टीज देखी और हमने कहीं ना कहीं नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज देखी। तो जब हम प्रॉपर्टीज को समझते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है वो हम इजीली पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ जिससे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम जनरल इंटेलिजेंस को आगे लेके जा सकें। एक न्यूज़ मुझे आप लोगों को देनी थी कि दून ऑफिसर्स एकेडमी में सैनिक स्कूल का जो क्रैश कोर्स है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, जहां पर हम टेस्ट सीरीज से लेके डाउट सेशन से लेके रेगुलर क्लासेस से लेके सारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि वो सैनिक स्कूल का एग्जाम दें, उनके लिए एक ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं और आप यहाँ पर आके अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और दून ऑफिसर्स एकेडमी के पास बहुत ही अच्छा साफ सुथरा हॉस्टल भी है, बच्चे बाहर से भी आ रहे हैं तो आप लोग भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।